यदि मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और डेली रेसिपी के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाली चिकन। इसके लिए जो चीज़ें लगती है, आधा किलो चिकन मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है, आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। 100 ग्राम दही, 1 कप धनिया, 1 कप पुदीना, 1 मीडियम चॉप्ड प्याज, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नींबू का रस, 7 से 8 मिर्ची। आप इसको आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 6 से 7 बादाम मैंने भिगो के उसके छिलके उतार दिए और नमक स्वादानुसार। ये रेसिपी मैंने कुकर में बनाया है, आप पैन या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है, आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने दालचीनी और बड़ी इलायची डाल दिए और प्याज को भी इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को भूनने तक हम हरा मसाले की तैयारी कर देंगे। हरा मसाला बनाने के लिए हमने मिक्सी के जार में मिर्ची, बादाम, पुदीना, धनिया और दही और नींबू का रस डाल के हमने इसको अच्छे से पीस लिया। दूसरी तरफ अपनी प्याज अच्छे से भून गई है, अब उसमें हम अपना चिकन मिक्स करके अच्छे से उसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। चिकन अच्छे से सुनहरा होने के बाद अब उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब उसमें हम लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी डालकर अच्छे से मिक्स करके उसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। सभी मसाले अच्छे से भून जाने के बाद मैंने अभी उसमें हरा मसाला ऐड कर दिया है, उसे भी अच्छे से मिक्स करके उसे भी कुछ देर तक मैंने भून लिया है। अच्छे से भून जाने के बाद मैंने मिक्सी के बर्तन में 1/2 ग्लास पानी डालकर खंगाल कर उसमें ऐड कर दिया और 1 उबाल आने तक रख दिया और उसमें अपने स्वादानुसार नमक मिक्स कर दिया। कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी होने तक पकने दिया और गैस की फ्लेम बंद करके उसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। के बाद ढक्कन खोल दिया और अपना चिकन हरियाली तैयार हो गया। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, आप नान या रोटी के साथ इसे खा सकते हैं।